राधे राधे दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? तो आज का दिन शुरू कर रहे हैं। आज छुट्टी है, संडे का दिन है और सुबह उठकर नहा धोकर जय कर ली है। अभी मैं नाश्ते में बना रही हूँ लंबी लंबी कटी हुई भिंडी मसाले वाली, और दूध उबाल रही हूँ। साथ में मैं कुछ और लाइट सा बनाऊंगी नाश्ता मोहित के लिए, क्योंकि वो भिंडी नहीं ना खाते, उनको थोड़ा स्टोन का प्रॉब्लम है, बीज वाली चीज़ें अवॉइड करते हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये रही भिंडी बन रही है, यहाँ मैंने दूध उबलने रख दिया है। आज की व्लॉग में मैं आपको पहले के भी मैंने कुछ रेसिपीज शूट करी हुई हैं, उनको इंक्लूड करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो रेडी हो आप? चलो फिर शुरू करते हैं। राधे 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 वंस अगेन दोस्तों, कैसे हो? तो अब मैं बैठ रही हूँ व्लॉग को एडिट करने। मैंने सोचा कि मैं चीज़ों को कंपाइल कर दूँ, क्योंकि मैंने किसी किसी दिन कोई कोई रेसिपी शूट करके छोड़ दिया था। पूरा दिन मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, लेकिन रेसिपी बनाई, कुछ डिफरेंट स्नैक बनाया, तो मैंने उसको शूट कर लिया। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इवनिंग स्नैक में मैंने बनाया था हरा भरा कबाब मटर और पालक के साथ, तो वो रेसिपी शेयर करूँगी। और उससे पहले मैं आपको जीजू से मिलवा देती हूँ। आपके आ गए हैं, वो फ्रूट वगैरह लेने गए थे बाहर, आज संडे है ना, छुट्टी है, तो अभी उनसे मिलवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको रेसिपी दिखाना शुरू करूँगी। बस तो अभी फ्रूट लेकर आए थे, ये लगाया ही है। और ये देखो गाइस, ये हैं मेरे चार घाघरा स्कर्ट्स जो मैंने वृंदावन से लिए हैं, कुछ मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं। तो ये सब मैंने बाहर निकाली हैं, इनको मैं टेलर मास्टर को दूंगी इसकी लेंथ छोटी करवाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबे घाघरे हैं और जब आप चलो तो फिर पैरों में आता है, ऊपर से फोल्ड करना पड़ता है, किसी में नाड़ा टाइप है, किसी में इलास्टिक है। तो सब में मैं वेस्ट पर इलास्टिक लगवा के और इनकी लेंथ छोटी करवा लूँगी अपने हिसाब से, इसलिए मैंने ये बाहर निकाल रखे हैं अभी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्लॉग की एडिटिंग शुरू, अभी अभी लैपटॉप लगाया है। मेरी हाउस हेल्प 12 बजे तक तकरीबन आ जाएगी फुलके बनाने, तो उसके आने से मैं आधा घंटा पहले आटा बाहर निकाल देती हूँ ताकि थोड़ा नरम पड़ जाए, फ्रिज का आटा जो होता है। और पार्थ शर्मा से मिलवाती हूँ आपको। राधे राधे। तो इसका शुरू हो गया अपना नेक्स्ट क्लास की तैयारी, है ना भाई? अब तो 11th में आ गया है। ओए होए। राधे 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 राधे। मिल लो भाई, बहुत दिन हो गए। बढ़िया। तो ये रहे आपके जीजू संडे को सुस्ताते हुए, वैसे सुस्ता तो नहीं रहे, सुबह से काम के लिए गए हुए थे बाहर, अभी आए। हाँ क्या? हाँ कुछ हमसे भी बात कर लो। तुम्हारे से ही बात करने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, ढूंढो ढूंढो। ये देखो फ्रेंड्स, खलेरा नहीं है ये, मैंने आज अपनी अलमारी फिर से छटाई करी है, कुछ कुछ टाइम बाद सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर सूट वगैरह, यहाँ पर जो मेरे डेली वेयर के हैं वो रखे हैं मैंने, और नीचे यहाँ पर गर्मियों के सारे सेट कर दिए हैं हिसाब से, जो मुझे जल्दी रोज़ रोज़ पहनने होते हैं, जो कम पहनने होते हैं वो पीछे करके, और सारे विंटर्स के निकाल दिए हैं बाहर। ये मेरे स्वेटर्स और विंटर्स के कपड़े हैं जो मैं अभी गांठ बनाकर बेड में डालूंगी, और वो देने वाले कपड़े मैंने निकाले हैं। मैडम आप हर महीने में 3-4 बार अलमारी साफ करती हैं और हर बार इतना ही सामान निकल आता है, ये भरता कैसे उसमें जाके? श्री जी की कृपा से। हाँ ठीक है ना, श्री जी बहुत उदार दिल और कृपालु हैं, वो मेरा कभी भी कुछ खाली नहीं रहने देती, ना बटुआ ना अलमारी ना घर ना दिल, समझे, सब भरा रहता है। अलमारी साफ करके बोला कभी तो एक दिन आएगा कि खाना खाली मिलेगा, कोई आएगा कभी। हाँ देखना, वो भी मेरी इच्छा हुई है ना, तो श्री जी की कृपा से आएगा ऐसा समय। नहीं होगा तो वो भी श्री जी की कृपा होगी। और बोलो प्रभु, जो होगा इस जीवन में वो श्री जी की कृपा होगी। और बोल लो, तो करो बहस। कहते हो कि मैं खाना खाली कर रही हूँ ना, मैंने बहुत खाली कर दी। मैं बहुत कुछ कहती हूँ। अभी फिर देखना, वो एक हफ्ते बाद दिखाऊंगा भरा होगा। ठीक है दिखा लेना, प्रसन्न रहो। ठीक है, अब मैं तुम्हारी बातों पर बुरा मानने की ना बुरा मानने की कोशिश करूंगी, फिर भी बुरा मान गई तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर ठीक करवा देंगी श्री जी। हाँ श्री जी ठीक करा देंगी, डोंट यू वरी। तो तुम्हारे को वाला उदासीन बना कर छोड़ूंगा मैं। पहले मैं खुद तो बन जाऊं। हाँ, अब थोड़ा देखो क्या चमचमा रहा है एकदम, उदासीन बन गया। ये चमचमा रहा है अब तुम्हें, मेरे हंसने और खुश रहने से भी दिक्कत है। मैंने कब कहा? हाँ यही बोला तुमने, थोड़ा कैसे चमचमा रहा है। उदासीन बनाने खुद तो बन लो, वही तो कह रही हूँ, पहले मैं खुद बन लू फिर तुम्हें बनाऊंगी मुक्के मार के उदासीन। आए बड़े मुक्के मार के। कुछ है सुनाने को तो सुनाओ, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। दुनिया सुनाने को भगो फिर यहाँ से, तुम भगो। राइट
व्यर्थ का समय नहीं है हमारे पास गाइस, मैं शुरू करती हूँ एडिटिंग। तब तक चलो आप देखो हरा भरा कबाब की रेसिपी। राधे राधे दोस्तों, तो पहले मैंने पानी में पालक धोकर अच्छे से डाल दिया है, इसको हम बॉईल करेंगे। इसमें पालक और मटर, खूब सारा पालक और मटर जो है इसको आप अच्छे से बॉईल कर लो तेज बॉइलिंग वाटर में 10 मिनट तक। उसके बाद निचोड़ के, जिसमें कि कम से कम पानी बचाओ, आप अपने मिक्सी जार में डाल लो। इसके अंदर आप डालो एक हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक, और फिर इसको पीस करके इसका पेस्ट बना लो। लेकिन ध्यान रखना इसमें पानी कम से कम हो, अच्छे से निचोड़ लिया हो आपने, ठीक है जी। उसके बाद मैंने लिए हैं 3 उबले हुए आलू, और इनको मैंने कद्दूकस से एकदम मस्त कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि इसमें लंप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। वैसे तो आलू बहुत अच्छे से बॉईल करे हुए हैं, इसलिए लंप्स नहीं होंगे, और हम हाथ से मद भी लेंगे सब कुछ, बट फिर भी अगर आप ग्रेटर से निकालते हो आलू को, तो ज्यादा अच्छे तरीके से सारे आलू मैश हो जाते हैं। ये हमारे आलू मैश हो गए। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना पालक और मटर, हरी मिर्च, अदरक वाला मिक्सचर। तो इसमें अगर ज्यादा पानी हुआ ना, तो फिर आपको संभालने मुश्किल हो जाएंगे कबाब्स, मतलब हरे भरे कबाब। और साथ में मैंने ब्राउन ब्रेड का क्रम्ब बना रखा है मिक्सी में, इसको ग्राइंड करके इसके क्रम्ब बना लिए। अब ये सारे डालेंगे हम इसके अंदर। अब कितनी कितनी क्वांटिटी है वो आपको मिक्स करके पता चलेगा, गूंद के ना, जैसे आटा गूंदते हैं वैसे। ये मैंने लगभग 3 टेबलस्पून मैदा डाला है। उसके बाद इसमें एज पर टेस्ट सॉल्ट, लाल मिर्च, और ये मैंने थोड़ी सी जो हल्दी डाली है ना, ये आप स्किप कर सकते हो अगर आपको कलर ग्रीन चाहिए। ऊपर से मैंने डाला है अचारी आलू मसाला, जो मेरा फेवरेट मसाला है। आप किचन किंग मसाला डाल सकते हो कुछ, लेकिन मुझे वो यूज करने होते हैं जिसमें अनियन गार्लिक ना हो, तो इसलिए मेरे कुछ कुछ मसाले ही रह गए हैं बस, जो मैं यूज कर सकती हूँ। अब इसको एकदम आटा गूंदने की तरह अच्छे से मैश करते हुए इसका डो बना लेते हैं, बिल्कुल भी आलू के कहीं लंप्स ना हो, ठीक है। अब इसकी बॉल राउंड राउंड करी, और फिर मैंने और ब्रेड के क्रम्स बनाए, उसमें हल्का सा इसको ऐसे लेप लगाया ऊपर नीचे ब्रेड क्रम्स का, और बीच में आधा काजू स्लिट करके रखा था मैंने। ऐसे ही होता है ना, जब रेस्टोरेंट में मिलता है हरा भरा कबाब, बीच में काजू होता है। तो इस तरह से कबाब तैयार कर लेंगे और इनको डीप फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो एयर फ्रायर में फ्राई कर सकते हो, शैलो फ्राई कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, नॉन स्टिक पैन पे कर सकते हो। और इसको आप टिश्यू पेपर पे उतार लो, ताकि जो ऑयल थोड़ा बहुत है इसका बाद में भी निकलता है, वो सोक हो जाएगा। और आप इसको सर्व करो हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, शेजवां चटनी के साथ। मैंने क्या किया, शेजवां, केचप और मेयोनीज को मिक्स करके, जो मैं वो अपनी चिपोटले टाइप बनाती हूँ ना, उसके साथ मैंने इसे सर्व किया। तो ये मेरे 4 कबाब्स पहले रेडी हो गए। तो जी बढ़िया बढ़िया कबाब्स रेडी, श्री जी को भोग लगाकर। पार्थ ने खाया, मैंने खाया, मोहित ने, और मम्मी ने भी एक टेस्ट किया, और पापा ने खाया। तो हम सबको बहुत अच्छे लगे, और मेरी हाउस हेल्प को भी बहुत अच्छे लगे। म्यूट करना। राधे राधे, कैसे लगे आपको हरे भरे कबाब? बहुत मस्त थे, सही थे ना? रेस्टोरेंट बारबेक्यू नेशन याद आ गया? ये पापा गए, पेट भर गया? तो हाथ क्यों नहीं धोया अभी तक? क्योंकि मैं धो जा रहा हूँ। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, हाथ धो ले। ये रे मेरे गाइस, आ जाओ हरे भरे कबाब खाने। मेरी हाउस हेल्प को भी बहुत पसंद आए, मेरी मैम चकाचक बने हैं। अयो रामा, राधे राधे, अब तुम फिर आ गए यहाँ। अब देख लो गाइस, अभी मैं बोला था कुछ बोलने को है नहीं, अब मैं छोड़कर आई हूँ वहाँ, तो मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गए। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ दी, मैं कैसे छोड़ दूँगा? देख लो कौन है किसके पीछे। ऐसा होता है, देखो अगर अमीरों के बच्चे मोटे हो जाते हैं ना, तो उन्हें कहते हैं कितना गोलू बोलू बेबी है। गरीबों का बच्चा मोटा हो जाता है, कहते हैं सांड। तुम क्या हो? मैं तो गोलू बोलू की सांड हो। जब तक ये कपड़ा एक तुम्हारा शरीर वाला फट नहीं जाता, दोबारा नया नहीं लेना। तुमने इतने सारे ढेर लगा दिए। उन्होंने उनके लिए बोला है जो साधकों के लिए नहीं बोला है। पसंद की चीजें सुन लेती बस, कुछ भी मतलब, ये बस इनको मेरे से ही जलन रहती है। कब खत्म होगी तुम्हारी ये जलन? जलन रहती है, लाओ मैं। ए भगवान, इसे जलन कहते हैं। हाँ, मैं ब्रज की रज का ठंडा लेप लगा दूं तुम्हारे हृदय पे, थोड़ी जलन खत्म हो। इसे चिंता कहते हैं। चिंता कहते हैं, चिंता हो रही है ने, मेरे घाघरों के ऊपर बैठे हुए चिंता कर रहे हैं। मुंह पे की चढ़ी हुई है मेरे, कि कहां चढ़ूं बताओ? पीछे जाओ, तुम पीछे जाओ, मुंह मोटा लगेगा तुम्हारा, इसलिए तुम्हें परेशानी हो रही है। लो ये लो गाइस, देख लो। मैं दिखाता हूँ
हम मुंह तो दिखाऊंगा नहीं, ये देखो टिट दिखा रही है, देखो लो दिखा लो टिट, अंदर कर लो और अंदर कर लो, ये देख लो खुश हो रहा तुम है ना, मुंह दिखाओ, ये देखो और दिखाओ, घुसा लो घुसा लो। कैसे लगा आपको हरा भरा कबाब का रेसिपी? हरा भरा कबाब हो गया हूं मैं एकदम, खा गया हरा भरा कबाब। इन्होंने उस दिन नहीं आए नहीं थे वीडियो में, कैसे लगे थे तुम्हें? बहुत बढ़िया थे, अभी तक ग्रीन ना दिख नहीं रहा ऊपर से। एक्चुअली मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी ना तो कम ग्रीन दिख रहे थे, अगर आप हल्दी अवॉइड कर दोगे ना तो पालक और मटर का कलर से वो काफ़ी ग्रीन ग्रीन दिखते हैं। बारबेक्यू नेशंस पे मोस्टली जाओ तो वहाँ पे मिलते हैं, शादियों में स्नैक्स में हरा भरा कबाब होता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है वो, और आप शेजवान चटनी के साथ, केचप के साथ, हरी चटनी के साथ खाओ, यम। तो आज का व्लॉग यहीं तक एंड कर देते हैं, पर उस दिन के हरे भरे कबाब वैसे एक्चुअली बहुत टेस्टी थे, हाँ सीरियसली वैसे ही लग रहे थे जैसे तुम बता रही हो। थैंक यू, शुक्र है, वरना कुछ ना कुछ तो उल्टा ही बोल के जाते हैं ये, मैं डर ही लगता है पता नहीं अब क्या बोलेंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि वो वृंदावन वाला व्लॉग होगा और उसमें कोई बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि बीच में मेरे व्लॉग्स और मेरे एंटरटेनमेंट चैनल पे गैप क्यों हो रहा था, मैं कहाँ बिजी थी और क्या श्री जी की कृपा हुई है। नहीं, नेक्स्ट व्लॉग की वेट करना। राधे राधे।